मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु आपका फिर स्वागत है। आज हम ले चलते हैं आपको क्रोध की प्रवचन माला की तरफ और जानेंगे क्रोध के कारण। उसके बाद में हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे एक मधुर भजन और अंत में आप देखिएगा युवा पीढ़ी को। आइए अब हम सुनते हैं स्वामी सत प्रज्ञा जी से क्रोध के कारण क्या होते हैं। हर किसी को क्रोध आता है, लेकिन क्रोध के कारण अगर हम दूर करें तो शायद क्रोध ना हो। चलो आज सुनते हैं कारण क्या हो सकते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या मंगलम कुंदकुंदाद्या जैनधर्मोस्तु मंगलम। सद्गुरु के चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधु बहनों, आज फिर एक बार क्रोध पर विचार करें। आदमी को क्रोध क्यों आता है? यदि क्रोध के कारणों का पता चल जाए तो शायद उपचार करना, समाधान करना आसान होगा। डायग्नोसिस ठीक हो जाए तो फिर ट्रीटमेंट हो सकती है। क्रोध के कारणों की खोज करें तो फिर रास्ता बहुत साफ हो जाता है। अनुभव के आधार पर हम प्रत्येक व्यक्ति क्रोध का अपना कारण खोज सकता है। जितने जितने व्यक्ति हैं सबको क्रोध आने के अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक सर्वमान्य स्थितियों के आधार पर हम एनालिसिस करें तो मुझे लगता है कि क्रोध आने के प्रमुखतया पांच कारण हैं। पांच कारणों से कोई ना कोई कारण पांच में से होता है तो क्रोध के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर बन जाता है। हम इन पांच कारणों पर जरा संक्षिप्त विचार करें। क्रोध आने का पहला कारण है ईगो, अहंकार। जो आदमी जितना अहंकारी वो आदमी उतने ही अनुपात में उतना ही क्रोधी। अहंकार से क्रोध क्यों आएगा? इसलिए कि कोई अहंकार पर जब दूसरा व्यक्ति चोट करता है तो वो भीतर आग बबूला हो जाता है और आवेश में न कहने की न करने की बात कर बैठता है, कह देता है। ईगो पर चोट होने से क्रोध आता है और
ईगो है कि नहीं, उसकी सीधी कसौटी अगर करनी हो तो कह सकते हैं कि जो आदमी अपमान से विचलित हो जाए तो समझ लीजिएगा कि उसके अंदर अहंकार है। अहंकारी आदमी अपमान से विचलित होगा, और जो अपमान से विचलित होगा वो अहंकार से भरा हुआ होगा। अपमान से विचलित न हो उस आदमी को हम विनम्र आदमी कह सकते हैं। तो मूल बीमारी शायद क्रोध नहीं है, मूल बीमारी है अहंकार। यूं समझे कि अहंकार कारण है, क्रोध उसका परिणाम है। अहंकार बीमारी है, क्रोध उसका बाह्य लक्षण है। तो ये पहला क्रोध आने का कारण अहंकार। इसका अर्थ ये हुआ कि जिसको क्रोध आता है उसको कम से कम दो कषाय तो है, बाहर क्रोध अंदर मान, ये दो कषाय है। क्रोध आने का दूसरा कारण बनता है अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन। आदमी की जितनी अपेक्षाएं ज्यादा होती है और वो ज्यादा अपेक्षाएं जब कभी पूरी नहीं होती है आदमी आग बबूला हो बैठता है। तो अपेक्षाएं क्रोध का दूसरा कारण है। एक्सपेक्टेशन को हम घटा ले तो मुझे लगता है कि जितनी जितनी अपेक्षाएं कम उतना उतना क्रोध कम। किसी गुजराती कवि ने लिखा है कि कोई नो स्नेह क्यारे ओछो नथी हो तो बस आपणी अपेक्षाओं ज वधु होई छे। यानी कि किसी का स्नेह, किसी का अफेक्शन, किसी का लव कम नहीं होता है। हमारी अपेक्षा ज़्यादा होती है, हमारी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती है, इसलिए हमें उसका प्रेम भी कम नज़र आता है। हम अपेक्षाएं कम कर दे थोड़ा प्रेम भी बहुत लगेगा। तो दूसरा कारण अपेक्षा है। एक माँ बाप को अपने बच्चों के प्रति कितनी अपेक्षाएं होती है, एक गुरु को अपने शिष्य के प्रति, एक शिष्य को अपने गुरु के प्रति कितनी अपेक्षाएं होती है, एक मालिक को अपने नौकर के प्रति कितनी अपेक्षाएं होती है, एक भक्त को अपने भगवान के द्वार पर जाकर कितनी अपेक्षाएं होती है। ये अपेक्षाएं हमारे संसार को जलाती है। मैं तो सोचता हूं आदमी का क्रोध आज खत्म हो जाए यदि वो इन पांच क्रोध के कारणों को रिमूव कर दे, हटा दे, मिटा दे, समाप्त कर दे, तो आज क्रोध खत्म हो सकता है। क्रोध आग है, आदमी को जलाता है, और इस आग से बाहर निकलना हो तो इन पांच कारणों से हम अपने आप को मुक्त रखें। दूसरा कारण अपेक्षाएं। मैं माँ बाप से भी निवेदन करूँगा अपने बच्चों के प्रति अपेक्षाएं ज़्यादा ना रखें। हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा पढ़ने में आगे हो, मेरा बच्चा हर क्षेत्र में आगे हो, हर फील्ड में आगे हो। उसमें एक्चुअली बच्चे का हित कम है, अपने अहंकार का पोषण शायद ज़्यादा है। मेरा बच्चा आगे आएगा तो मुझे अपने अहंकार को पुष्टि मिलेगी। हाँ, और संसार में हम रहते हैं तो आध्यात्मिक दृष्टि से तो अपेक्षाएं छोड़नी है, लेकिन संसार में शायद समग्र अपेक्षाएं न छूटे। तो कम से कम अपेक्षाएं कम करें, हाई न रखें, लो एक्सपेक्टेशन कर दें। और चलो अपेक्षाएं रखनी भी पड़े तो कम से कम एक और संकल्प करें कि अपेक्षाएं रखें हम दूसरों से, लेकिन अपेक्षाएं रखते हुए एक बात का ध्यान रखें कि मेरी अपेक्षा पूरी होनी ही चाहिए। या आग्रह न रखें तो भी शायद अपेक्षाओं के आवेश को हम कम कर सकते हैं। तो दूसरा कारण है हमारी अपेक्षाएं। क्रोध का तीसरा कारण बनता है हमारी दृष्टि से, और वो है नेगेटिव एटीट्यूड्स। नेगेटिव आदमी हर चीज में अपसेट रहता है,
जिस आदमी का दिमाग नेगेटिव है, जो आदमी हर स्थिति को नेगेटिवली देखेगा, हर व्यक्ति को नेगेटिवली देखेगा, हर घटना को नेगेटिवली देखेगा, वो शांत कैसे रहेगा? शांत रहने का सूत्र है हर स्थिति को, हर घटना को, हर व्यक्ति को तुम पॉजिटिवली लेने की कोशिश करो, नेगेटिवली नहीं। नेगेटिव जहर है, कभी भी अपने आप को नेगेटिव परमाणुओं में मत डालो, वो आपको भी विषाक्त कर देगा। तो तीसरा क्रोध का कारण है नेगेटिव अप्रोच। और नेगेटिव अप्रोच किसको होती है? कौन आदमी नेगेटिव अप्रोच वाला? सीधा सीधा है, जो कंप्लेन करेगा समझ लो वो नेगेटिव अप्रोच। नेगेटिव अप्रोच वाला, नेगेटिव एटीट्यूड वाला हर स्थिति में कंप्लेन करेगा, फरियाद करेगा, शिकायत करेगा। तो ये क्रोध का तीसरा कारण। क्रोध का पहला कारण ईगो, क्रोध का दूसरा कारण एक्सपेक्टेशन, क्रोध का तीसरा कारण नेगेटिव स्वभाव, नेगेटिव एटीट्यूड। क्रोध का चौथा कारण बनता है और वो कारण है स्ट्रेस, तनाव। जो आदमी स्ट्रेसफुल है, जो आदमी तनावग्रस्त है, जो आदमी टेंशन लेके घूमता है, वह आदमी अपसेट जल्दी होता है। एक साथ जिसके दिमाग पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, वो जरा सी उसकी प्लानिंग में गड़बड़ होगी तो अपसेट होने में देर नहीं लगेगी। तो ये क्रोध का चौथा महत्व का कारण है स्ट्रेस। क्रोध को खत्म करना हो, क्रोध से मुक्त होना हो, क्रोध के पागलपन से बचना हो, तो हम स्ट्रेस लेवल को घटाएं, जिसकी बात हम और कभी करेंगे, लेकिन हम स्ट्रेस लेवल को थोड़ा कम करें। और स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए अभी तो इतना याद रखें कि या तो हम जिम्मेदारियां कम लें, जितनी अपनी क्षमता हो, कैपेसिटी हो, एबिलिटी हो, उतनी ही जिम्मेदारी, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, या फिर अपनी क्षमता को बढ़ाए, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाए, तो आदमी जिम्मेदारियों के साथ डील कर सकता है। तो स्ट्रेस भी एक क्रोध का बहुत बड़ा कारण। आप कभी देखिएगा, जब आदमी को कभी स्ट्रेस आएगा ना, ऑफिस में से बहुत स्ट्रेस लेके आएगा घर में, तो कारण अकारण बच्चों पर, बीबी पर, परिस्थितियों पर वो उबल पड़ेगा, अपसेट होगा। स्ट्रेस बहुत बड़ा क्रोध का कारण है। क्रोध का पांचवा कारण है और वो कारण है वर्कहोलिक एटीट्यूड, अति सक्रिय रहने का व्यसन। व्यस्त रहना बहुत अच्छा है, लेकिन व्यस्त रहने की आदत बहुत बुरी है, व्यस्त रहने का एडिक्शन खराब है। व्यस्त रहो, लेकिन व्यस्तता व्यसन नहीं बननी चाहिए। कई बार व्यस्तता जब व्यसन बन जाती है तो आदमी बिना काम के रह नहीं सकता है। हिंदुस्तान में एक आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो मैंने कहा आज तो 15 अगस्त है, आज तो न्यूज़पेपर बंद है, तुम क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो पेपर? उसने कहा स्वामी जी आज पेपर बंद है, इसलिए मैं कल का पेपर पढ़ रहा हूँ। अब आज पेपर नहीं है तो, लेकिन आदत का मजबूर, आदत का लाचार, पुराना पेपर जो पढ़ चुका है उसको पुनः पढ़ेगा, क्योंकि स्वभाव हो गया, काम करने का व्यसन हो गया। और जो बहुत काम का आदि हो जाता है ना, फिर उसके काम में कोई बाधा पड़ेगी, उस काम के स्केड्यूल में कोई डिस्टर्ब करेगा, उसके टाइम में कहीं इधर उधर हो गया, तो आदमी जरा सी बात में उत्तेजित हो पड़ेगा, हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत व्यस्त रहने वाला आदमी, बहुत बिजी माइंडेड पीपल इजीली गेट एंग्री। इसलिए हम और भी छोटे मोटे कारण हो सकते हैं, जैसे रात को नींद बराबर ना आई तो भी आदमी दिन में चिड़चिड़ करता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। तो ये क्रोध के मूल पांच कारण हैं। जरा सोचिएगा ठंडे दिमाग से कि पांच में से हमारे अंदर कौन से कारण वर्क कर रहे हैं, कितने कारण वर्क करते हैं, उस पर विचार करें और एक एक कारण को हटाने का संलक्ष्य
प्रयत्न करे, पुरुषार्थ करे, पराक्रम करे। क्या मुझे ईगो के कारण क्रोध आता है तो ईगो को हटा दो। क्या मुझे अपेक्षा से क्रोध आता है, अपेक्षाएं कम कर दो, अपेक्षाएं पूरी हो ऐसी जिद न रखे। क्या मुझे नेगेटिव एटीट्यूड में रहा है इसलिए क्रोध आता है तो नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव में कन्वर्ट करो। क्या मुझे स्ट्रेस के कारण क्रोध आता है तो स्ट्रेस लेवल को डाउन करें। और अगर ओवर व्यस्त रहने की आदत से क्रोध आता है तो जरा हम प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच में संतुलन करें, एक्टिविटी और विश्राम के बीच एक बैलेंस साधने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि क्रोध आने की परिस्थितियां ही खड़ी नहीं होगी। इन कारणों को मिटा दो तो फिर बहुत उपाय की खोज में जाने की जरूरत नहीं होगी। तो मैं आशा करूं, विश्वास करूं कि हम सभी लोग इस पहले कषाय को शांत करने के लिए जो पांच उसके मूलभूत कारण है, मौलिक कारण है, उन कारणों को अपने भीतर देखकर उसे हटाने की कोशिश करें तो काफ़ी हद तक हम क्रोध से विदा ले सकेंगे। और जितनी मात्रा में क्रोध दूर जाएगा उतनी मात्रा में मन में, घर में शांति आएगी। हम इन शांति की दिव्यता का अनुभव करें और क्रोध मुक्त रहने का प्रयास करें। इन्हीं शुभ भावों के साथ ओम अरहम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, मंगलम कुंदकुंदाद्या, जैनधर्मोस्तु मंगलम। अब लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, हम फिर हाजिर होंगे एक मधुर भजन के साथ। फॉर योर टैक्स फ्री डोनेशंस, सजेशंस एंड कमेंट्स प्लीज विजिट mangalamshow.com। मंगलम में आपका फिर स्वागत है। आज हम सुनते हैं एक मधुर भक्ति संगीत। जन्म जन्म नी तन मन धन नी मोह वासना हर नी फूल नहीं तो मिलते हैं हमारे युवा पीढ़ी के साथ एक डांस प्रोग्राम में। बच्चों, आपको पता है चोरी करने से क्या सजा मिलती है? नहीं दीदी,
आप बताइए ना। बहुत पाप लगता है और कोई भी चोरी करने वाले पर विश्वास नहीं करता। और पता है चोरी करने वाली मुन्नी का क्या हाल हुआ? नहीं दीदी। तो सुनो, जिससे उसने जीभ जलाई, गिरा दूध तो जली कलाई। बच्चों आप भी गाइए। आशा है आज का प्रोग्राम मंगलम आपको पसंद आया होगा।
आपके विचार हम जानना चाहेंगे, हमें लिख भेजिएगा mangalamshow@gmail.com पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिएगा mangalamshow.com। अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।